अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 12 के तहत सन 2008 में अलीगढ़ से बाहर ऑफ कैंपस सेंटर्स खोलने का फैसला किया था 5 का। ये जरूरत सच्चर कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आने के बाद महसूस हुई। कानूनी तरीके से उन सेंटर्स को खोलने का निर्णय किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एक बयान आया है, ईरानी जी इन सेंटर्स को गैर कानूनी करार दे रही हैं और इन्हें मिलने वाली सहायता बंद करने की धमकी दे रही हैं। एक तरफ जहां हम सबका विकास का नारा देते हैं, वहीं समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा की सुविधाओं से दूर रखना चाहते हैं। वो मैटर कोर्ट में है और निश्चित तौर से कोर्ट जो डिसीजन करेगा उस डिसीजन के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। एक चीज कि जो सवाल बिल्कुल पूरी तरह से कानून संविधान सम्मत जिसका समाधान हो गया था, कोर्ट में आपने एफिडेविट देकर के आप सारा काम उपद्रव कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। प्लीज एफिडेविट गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द यूपीए गवर्नमेंट, ही इज मिसलीडिंग द हाउस। 1 minute sir, today's government has withdrawn an affidavit of the earlier government and given a new affidavit which is the cause of all the problem. Since this is a very serious matter and the government needs to explain why it changed the affidavit filed by the UPA government, yes. You have to explain it and why you are targeting the minority institutions and the universities. Then if you want, you give notice. So the house demands a debate.